फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन पर एंजॉय में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटीईटी दिसंबर 2018 में जो एग्जाम होने वाला है, सीबीएसई लेगी उसको, और सीटेट के लिए मैंने पहले ही ईवीएस की जो फोर्थ क्लास की बुक है उसके 19 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, जो कि ईवीएस में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और आएंगे भी। तो इसी सीरीज में अभी ये पार्ट नंबर 20 है एनसीईआरटी की फोर्थ क्लास का ईवीएस की बुक। आइए क्वेश्चन पार्ट 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहू त्योहार की विशेषता बताओ। तो इसका आंसर है, आंसर में पहला पॉइंट, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है बिहू त्योहार। नेक्स्ट, पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जामों में पूछा जाता है, सीटेट में तो पूछा जाता है, प्लस इसके साथ साथ सारे टीचिंग एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का त्योहार है। तो आपको क्या टिक करना है, असम। और बिहू त्योहार के बारे में मैंने 3 इसकी विशेषता बता दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बिहू त्योहार की चौथी विशेषता है, बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, ताओ का अर्थ बताओ। ताओ का अर्थ होता है कढ़ाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोरा का अर्थ बताओ। इसका आंसर है, यह असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो कुछ नोट करने वाले पॉइंट है तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, बिहू त्योहार पर ज्यादातर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। नेक्स्ट, लोग ढोल बजाते हैं, गीत गाते हैं तथा झूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोग जमीन पर बैठकर केले के पत्तों पर खाना खाते हैं। नेक्स्ट, रात भर भेला घर में ही रहती है। नेक्स्ट, सुबह जल्दी उठकर मेजी और मेला घर को जला दिया जाता है। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद कर लें इनको, सीटेट के ईवीएस वाले पार्ट में जरूर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भात सुक्तों का अर्थ बताओ। तो भात सुक्तों का अर्थ होता है चावल और रसे वाली सब्जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 21, अमृतसर का गुरुद्वारा किसने बनवाया था, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट 23, पोचमपल्ली सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पोचमपल्ली जगह है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके होमवर्क में रहेगा, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, प्लीज कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट, धागे से कपड़े तक की प्रक्रिया आइए जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि धागे से कपड़ा किस प्रकार बनाया जाता है, इसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, धागे की लड़ियां लाते हैं। नेक्स्ट, लड़ियों की उबलते हुए पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोते हैं। नेक्स्ट, फिर सब लोग मिलकर धागों को सुंदर रंगों से रंगते हैं और सुखाकर उनकी गठ्ठी बनाते हैं। नेक्स्ट, धागे की गठ्ठियां करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर उनसे कपड़ा बुना जाता है। नेक्स्ट, कुल्लू की शॉल काफी मशहूर है। नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंध रखती है। असम में सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई, ये काफी चीजें फेमस हैं। नेक्स्ट पार्ट 24, पूरे देश की बात, इस पार्ट का नाम है। नेक्स्ट, मलयालम भाषा में चिटपप्पन का अर्थ बताओ। तो मलयालम भाषा में चिटपप्पन का अर्थ होता है पिता का छोटा भाई, मीन्स चाचा। नेक्स्ट, मलयालम भाषा में कुजम्मा का अर्थ बताओ। तो कुजम्मा का अर्थ होता है चाची। नेक्स्ट, अबू धाबी में रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए वहां पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ ही मिलते हैं। नेक्स्ट, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। अब आगे अबू धाबी की विशेषता और पढ़ लेते हैं।
अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का सवाल ही नहीं उठता, बाहर बहुत गर्मी होती है। पॉइंट दो, वहां के लोग ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं और ये कपड़े सूती होते हैं और पूरा शरीर।